अगर आपको कोई कहे कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सिर्फ छू लेने से आपके शरीर के सारी बीमारियां दूर हो जाए, क्या आप इसका यकीन करेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो व्यक्ति आपको फोन पर ही कह दे कि आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी तो वो जल्द ही अच्छी हो जाती है, तो क्या आप इसका यकीन करेंगे? नहीं, आप इसका यकीन इतना जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के विज्ञान के युग में किसी का भी इन बातों पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। आप सोचेंगे, ये तो बड़ा ही आश्चर्य और असंभव बात है, बिना औषधि और बिना ऑपरेशन के किसी के छूने से या कह देने से बीमारी कैसे दूर हो जाएगी? आपका ये सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखें, तो आप जान सकते हैं कि जो आप सोच रहे थे वो गलत है। अब आपकी जानने की इच्छा ये हो रही होगी कि ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन है। ये वीडियो में अभी आप देख रहे हैं भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिला के मंडा साहिब के पास बियोड़ो गांव में बाबा आत्रत राणा के दिव्य चिकित्सा केंद्र का दृश्य। अवश्य आजकल किसी बाबा के नाम सुनकर मन में विकार आ जाता है, लेकिन इनको देख के आपको यकीन हो जाएगा कि ये उन ढोंगी बाबा जैसे नहीं है। आप देख रहे हैं 100-100 रोगी यहाँ खड़े हैं बाबा आत्रत राणा के दिव्य चिकित्सा के लाभ पाने के लिए। ऐसे भीड़ उनके पास हर दिन होता है। रोगियों के बीमारी दूर करने के लिए वो ना तो औषधि ना ही अस्त्र प्रचार का प्रयोग करते हैं। वो रोगी को केवल अपना दिव्य चिकित्सा यानी कि स्पर्श चिकित्सा देते हैं। वो उनके हाथ और पैर से छू लेने से ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। आपको ये देखकर जरूर आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ये एक वास्तविक सत्य घटना है। अगर मरीजों का बीमारी अच्छा ना होता तो रोज ऐसा भीड़ क्यों होता? बाबा आत्रत राणा का नाम आज चारों ओर बहुत चर्चित है। वो एक साधारण सांसारिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास एक अलौकिक दिव्य शक्ति है जो देवों के देव महादेव का उनके ऊपर वरदान है। साधारण होते हुए भी वो एक असाधारण व्यक्ति है, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से लोग उन्हें बाबा आत्रत राणा कह के संबोधित करते हैं। बाबा आत्रत राणा उनके हाथ और पैरों के स्पर्श से मरीजों को दिव्य चिकित्सा यानी कि डिवाइन ट्रीटमेंट देते हैं। निष्ठा के साथ देवी देवताओं की पूजा करके दिव्य चिकित्सा के माध्यम से कई मरीजों का इलाज करके उनको ठीक करते हैं। पैरालिसिस, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, माइग्रेन, कैंसर आदि खतरनाक बीमारियां भी वो ठीक कर देते हैं। जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद नहीं कर पाते हैं, बाबा आत्रत राणा के दिव्य चिकित्सा केंद्र में वो संभव हो पाता है। देखा जाए तो खतरनाक बीमारियों से पीड़ित आधे मरे हुए व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के कंधों पर या स्ट्रेचर पे लेट के आते हैं और बाबा के दिव्य चिकित्सा पाने के बाद थोड़े ही समय में अपने पैरों पर चलकर और अपने मुख पर मुस्कुराहट लेकर वापस जाते हैं। इस आवेगमय दृश्य देखकर कौन अचंभित नहीं होगा? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई उनके पास ना पहुंच पाए तो वो फोन पर ही अपना दिव्य चिकित्सा मरीजों को प्रदान करते हैं और उन्हें ठीक कर देते हैं। ऐसे ही फोन पर चिकित्सा देकर वो जहरीले सांप के चोट खाए हुए व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। अगर ये सब घटनाएं बाबा के दिव्य चिकित्सा के चमत्कारिता नहीं है तो और क्या है? अगर किसी को तंत्र मंत्र जादू टोने से बस में करके उसके जीवन को हानि पहुंचाते हैं तो बाबा अपने दिव्य चिकित्सा द्वारा उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो एक बार बाबा आत्रत राणा के दिव्य चिकित्सा को
स्वयं अपने आंखों से ना देखे या खुद दिव्य चिकित्सा के सुफल ना पाए हैं, वो अनुभव नहीं कर सकते हैं बाबा आर्तत्राण के दिव्य चिकित्सा के दिव्य शक्ति को। लेकिन बाबा आर्तत्राण के ये दिव्य चिकित्सा जिनको मिला है वो नतमस्तक होके बन गया है बाबा का प्रशंसक भक्त। परंतु बाबा खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो केवल देवी देवताओं के पास पीड़ितों को शारीरिक मानसिक इलाज देने के लिए और उसका दुख दुर्दशा दूर करने के लिए भगवान के पास निवेदन करते हैं, जिसका जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ देवी देवताओं के आशीर्वाद का नतीजा, वो केवल निमित्त मात्र। निस्वार्थ पर मन से वो मनुष्य का सेवा करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में कोई जानलेवा बीमारी का अच्छा इलाज बिना औषधि के ये अविश्वसनीय लगने पर भी सत्य है और चमत्कार होने वाला घटना है, और एक चमत्कार घटना है बाबा आर्तत्राण के दिव्य चिकित्सा। आज के चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टरों के लिए एक चैलेंज हो गया है। ये बात सच है कि मनुष्य हर प्रकार की कोशिश करके जब हार जाता है तब वो अलौकिक शक्ति के पास समर्पित हो जाता है और आशा करते हैं कि अपने क्षेत्र में कुछ अलौकिक घटना घटने के लिए मनुष्य जितना भी ज्ञानी हो अंत में ही वो अलौकिक दिव्य शक्ति के पास समर्पित होता है। बाबा आर्तत्राण वो अलौकिक दिव्य शक्ति के करुणा को लाभ करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। उसी दिव्य शक्ति के अच्छे प्रभाव से पीड़ित शरीर से सारे नकारात्मक शक्ति का कुप्रभाव दूर हो जाता है। जो मरीज दिव्य शक्ति के प्रभावों को विश्वास के साथ अपनाए उसका शरीर और मन हमेशा स्वस्थ और सतेज रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति होती है, अविश्वास का कोई तर्क वितर्क नहीं है। अवश्य आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग इसे अंधविश्वास बोलते हैं, ये कोई विचित्र बात नहीं है। अगर इस शक्ति को हम खुद अनुभव करें तभी हम स्वीकार कर सकते हैं कि बाबा आर्तत्राण के माध्यम से मिरेकल पावर या अलौकिक दिव्य शक्ति कार्य करता है। ये विज्ञान से काफी ऊपर है। पहले जब डॉक्टर नहीं थे तभी भारतीय मुनि ऋषि उनके साधना के बल उपचार करते थे, मनुष्यों को बीमारियों से मुक्त करते थे। बाबा आर्तत्राण आज के युग के वही महापुरुष हैं। 2011 से बाबा आर्तत्राण उनके दिव्य चिकित्सा के द्वारा लाखों मरीजों को ठीक कर चुके हैं। बाबा की लोकप्रियता केवल उड़ीसा में नहीं बल्कि देश तथा विदेश में भी प्रसारित होने लगा है। दूर देश जैसे रशिया, जर्मन, इटली आदि देशों में केवल फोन में ही बाबा के दिव्य चिकित्सा के अनेक भक्त हो गए हैं। बाबा सभी के फोन कॉल उठाते हैं और श्रद्धा से दिव्य चिकित्सा प्रदान करते हैं। उनके पास अमीर गरीब, विभिन्न जाति संप्रदाय निर्विशेष में सब समान हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सेवा उनके लिए माधव सेवा है। वो इंसान की सेवा करने के लिए निस्वार्थ पर भाव से कर्तव्यबद्ध हैं। हर हफ्ते बृहस्पतिवार में बाबा उनकी जन्मभूमि उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिला के मंडा साही के पास बियोड़ गांव में शिव मंदिर के प्रांगण में मरीजों को दिव्य चिकित्सा प्रदान करते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन वो भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर में लुम्बिनी बिहार HIG 8 में दिव्य चिकित्सा प्रदान करते हैं। मरीजों का भीड़ कितना भी हो वो किसी को निराश करके वापस जाने नहीं देते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो दिव्य चिकित्सा प्रदान करते हैं। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार वो अति जटिल बीमारियों के स्वस्थ होने के लिए स्वतंत्र भाव से पूजा करते हैं और उड़ीसा में भिन्न भिन्न स्थान में आयोजित दिव्य चिकित्सा प्रदान केंद्र में
चिकित्सा प्रदान करते हैं। बाबा आर्तत्राण एक विस्मय पुरुष हैं। वो अत्यंत सीधा साधा स्वभाव के इंसान हैं, अलौकिक दैवी शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। बाबा कहते हैं कि वो भगवान नहीं हैं, वो किसी का विधि निर्धारित आयु रेखा को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जन्म लेके भगवान को भी मरना पड़ता है। वो ये भी कहते हैं कि उनको भी आश्चर्य लगता है उनके छूने से कैसे मरीज ठीक हो जाते हैं। वो हमेशा अपने हर साक्षात्कार में कहते हैं कि उनके पास जो दैविक शक्तियां हैं, अगर चिकित्सा विज्ञानी उसके ऊपर भविष्य में रिसर्च करके उसको समाज के हित में प्रयोग करे तो समाज कई व्याधियों से मुक्त हो पाएगा। बाबा आर्तत्राण अपने आप में एक आश्चर्य एवं दिव्य अनुष्ठान है। विगत 7-8 साल से चल रहा है उनका दिव्य चिकित्सा अनुष्ठान। अनेक पाखंडी बाबा के कारनामे जब समाज को कलुषित कर रहे हैं, उस वक्त बाबा आर्तत्राण जी के दिव्य चिकित्सा अनुष्ठान व्यक्ति परिवार तथा समाज के हित में उत्सर्गीकृत है। अगर आपको कोई कहे कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सिर्फ छू लेने से आपके शरीर के सारी बीमारियां दूर हो जाए, क्या आप इसका यकीन करेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो व्यक्ति आपको फोन पर ही कह दे कि आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी तो वो जल्द ही अच्छी हो जाती है, तो क्या आप इसका यकीन करेंगे? नहीं, आप इसका यकीन इतना जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के विज्ञान के युग में किसी का भी इन बातों पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। आप सोचेंगे ये तो बड़ा ही आश्चर्य और असंभव बात है, बिना औषधि और बिना ऑपरेशन के किसी के छूने से या कह देने से बीमारी कैसे दूर हो जाएगी? आपका ये सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखें, तो आप जान सकते हैं कि जो आप सोच रहे थे वो गलत है। अब आपकी जानने की इच्छा ये